लाइक सब्सक्राइब। हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवमेंट मैन पावर सीडे 2021 और 22 में आपका स्वागत है। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए थामे करार, वो एक सम डेट आ गई। हाँ दोस्तों, वो एग्ज़ाम डेट्स आ चुके हैं जिसका हमें था इंतज़ार। 16th और 17th में जो भी एग्ज़ाम डेट्स पोस्टपोन हुए हैं उनके रीशेड्यूल एग्ज़ाम डेट्स आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सेशन में आज के कौन से मैजिकल डेट्स हम आज अनाउंस करने वाले हैं। हम नहीं, ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं भाई, हम तो यहाँ पर बताएंगे आपको मैजिकल डेट्स। तो दोस्तों, मुझे एक पूछना है आप लोगों से, मुझे ये पूछना है कि आप जो पहले सेशंस हो रहे 3-4 वीक से एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस करे जा रहे दूसरे लोग, यार मैंने तो चेक किया कि हज़ारों लोग देख रहे हैं, आखिर डेट्स क्या दिए हैं जो ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं हुए और ये लोग बता रहे हैं कि ऑफिशियली डेट्स अनाउंस हुए हैं। मैंने चेक किया, एक बार पता चला वहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जब डिक्लेयर होगा तब हम बता देंगे। यार ये सुनने के लिए आप हज़ारों लोग जा रहे हैं, क्या बात है, मज़ा आ गया। यार वो लोग तो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? ट्रस्ट, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, सिर्फ ब्लाइंडली ट्रस्ट, नथिंग एल्स। आप टीचर्स होके भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, टीचर पोस्टिंग करने वाले हो आप, ब्लाइंडली ट्रस्ट। तो यार हम भी बना सकते हैं ना व्यूज के लिए, प्रॉफिट के लिए मैं भी बना सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसे किया नहीं ना। ऐसे प्लेटफॉर्म चूज़ कीजिए जो आपको करेक्ट गाइडेंस दे, ना कि आपको वहाँ से भटकाए और अपनी प्रॉफिट ही देख ले। ऐसे आप प्लेटफॉर्म सबको चूज़ नहीं करनी है, जो आपको ट्रस्टेबल हो, करेक्ट गाइडेंस दो, जो भी आपको देगा करेक्ट गाइडेंस वही प्लेटफॉर्म आप चूज़ कीजिए। मैं नहीं कह रही कि आप मेरे ही प्लेटफॉर्म पर चूज़ करें, मैं चाहूँ तो मैं भी बना सकती थी आपके लिए ऐसे वीडियोज़, ऐसे सेशंस मैं भी बना सकती थी आपके लिए, लेकिन मैंने क्यों नहीं बनाए? क्योंकि मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए यार, आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको गाइडेंस देना ही मेरा वर्क है, ना कि आपको भटकाना है। ये ऐसे रूल्स पे ही हम फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोग की मर्जी है, आप जहाँ भी जाए, पर मेरे हिसाब से आपको ट्रस्टेबल पर ही विश्वास करनी चाहिए, जो ट्रस्ट आपको करेक्ट गाइडेंस दे उन्हीं पर आपको ना बिलीव रखना चाहिए, ना कि सब पर। चलिए फिर अपना मैजिकल सेशन शुरू करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। एक थम्स अप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, स्टार्ट कर दें। तो फ्रेंड्स, आपको इन डेट्स को जानने के लिए आपको हमने डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ से चेक कीजिए, आप डायरेक्ट इस इंटरफेस पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है और सिक्योरिटी पिन जो भी पूछा जा रहा है नीचे बिलो जो भी डिस्प्ले हो रहा है उसको आपको टाइप करनी है एंड सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद आपको कुछ दूसरा इंटरफेस आएगा कुछ इस प्रकार। तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन, फिर से आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करनी है। यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करनी है ये भी बता दूंगी चलते चलते। सेल्फ डिक्लेरेशन में आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई डोंट हैव एनी ऑफ द लिस्टेड बिलो सिम्टम्स, यानी कि आपको ये कोई सिम्टम्स नहीं है, यहाँ पर जो बिलो दिया गया है उन पर आपको टिक करना है, राइट मानी है, उन जो भी स्मॉल बॉक्सेस यहाँ पर दिए गए हैं विजिबल हो रहे हैं आपके स्क्रीन पर, इन पर आपको टिक करना है राइट टिक्स कि आपको ये सभी सिम्टम्स नहीं है। एंड नेक्स्ट आपको दिखाई देगा कि कैंडिडेट नेम, यानी कि आपका नेम, आप यहाँ पर अपने जो भी हॉल टिकट में जो भी एप्लीकेशन में आपने अपना नाम दिया है वो यहाँ पर डालना है।
लिखना है। तो आपका मेडिकल डेट 17th यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है, यानी कि आपका एग्ज़ाम जिनका भी 16th पर सेकेंड शिफ्ट पोस्टपोन हुआ है उनका एग्ज़ाम 17th को होने वाला है। 17th January 2002 में इनका एग्ज़ाम होने वाला है। जो अभी नेक्स्ट एडमिट कार्ड आएगा, जो फाइनल एडमिट कार्ड आएगा, वहाँ पर आपको रोल नंबर दिया जाएगा आपका एंड एग्ज़ाम सेंटर भी दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर नीचे जो सिग्नेचर है वो आपका अपना सिग्नेचर यहाँ पर लिखनी है। जब फाइनल एडमिट कार्ड आएगा तब वहाँ पर आपको एक अपना रोल नंबर दिखाई देगा, अब वो रोल नंबर यहाँ पर लिखना है डिक्लेरेशन फॉर्म में एंड एग्ज़ाम सेंटर भी आपको यहाँ कॉलम में लिखना है। तो ये हो गया आपको सिर्फ डिक्लेरेशन भरने का, कैसे आप ऐसे फिल कर सकते हैं पूरा डिक्लेरेशन फॉर्म। नेक्स्ट जो 16th December एग्ज़ाम शिफ्ट टू पोस्टपोन हुआ है उनका एग्ज़ाम डेट होकर आज हमें अनाउंस हुआ है वे 17th January 2022 में होने वाला। जिनका भी एग्ज़ाम 17th को पोस्टपोन हुआ है उनका एग्ज़ाम डेट्स कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। 21st 2022 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जिस प्रकार 16 का पोस्टपोन हुआ है वहाँ पर जो 17th January 2002 का दिखाई दे रहा है उसी प्रकार 17th का जिसका कैंसिल हुआ है उनका एग्ज़ाम होने वाला है 21st को। आपका कुछ इस प्रकार सेल्फ डिक्लेरेशन में दिखाई देगा फॉर्म पर आपका अपना एग्ज़ाम डेट 17th का जिनका है उनका एग्ज़ाम डेट डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको इस प्रकार दिखाई देगा। तो 17th December शिफ्ट 1 and शिफ्ट 2 के जिनका भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उनका ये एग्ज़ाम डेट 21st January 2002 को हमने देख लिया है। तो ये आपके एग्ज़ाम डेट्स होने वाले हैं 16th और 17th जिनका भी कैंसिल हुआ है एग्ज़ाम डेट्स। तो हमने अपने एग्ज़ाम डेट्स तो जान लिए हैं, जिनका भी एग्ज़ाम है वे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रियल मेरिट कार्ड पे देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर हमारे जो भी प्रीवियस सेशन में शिफ्ट्स हुए हैं वहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए उन रिपीटेड शिफ्ट्स के लिए जानकारी के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देंगे हम हर जो शिफ्ट्स में पूछे गए उनके सारे सवाल हम वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। आपको ये बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं, इनके अनुसार आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। जिनका भी एग्ज़ाम नेक्स्ट सेशन में है उनके लिए ऑल द बेस्ट नेक्स्ट सेशन में। टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमसे साथ जुड़ सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, तो जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी प्रीवियस सेशन हैं उनको बेस करके हमने कुछ सेशंस बनाए हैं, इम्पोर्टेंट सेशंस, मैक्स, वन शॉट, मैराथन सेशंस, आप वो प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं आपको।